अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़रा इकबाल। नाज़रीन आज मैं मौजूद हूँ कैलाश के एक दर बरीर में, जहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा है चामूज फेस्टिवल के नाम से। ये लॉन्गेस्ट फेस्टिवल है, 7 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल जो है न्यू ईयर की खुशी में मनाया जाता है। जानते हैं इस फेस्टिवल की स्पेशलिटी क्या है और ये लोग जो है यहाँ की रिलीजियस फेस्टिवल किस तरह से मनाते हैं, जानते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है? सैफुल्लाह। सैफुल्लाह, मुझे बताइए कि ये जो यहाँ पे चामूज फेस्टिवल हो रहा है, मैं नाम ठीक ले रही हूँ? हाँ जी जी, बिल्कुल सही हो गया। ये मतलब क्या इसकी स्पेशलिटी है, क्यों मनाया जाता है? ये जो है, ये जो हैप्पी न्यू ईयर है, हम आप कह लें कि न्यू ईयर की खुशी में भी आप कह लें मना लेते हैं। दूसरे ही के ये साल के जो एंड में सर्दियाँ जो आती हैं दिसंबर, तो इसकी खुशी में भी मनाते हैं। और स्टार्टिंग में होता है कि फायर डांस वगैरह होते हैं, रात को ये जो निकलते हैं और इस तरह सब आग लगा कर हाथ में पकड़ते हैं और इस तरह गाँव में फिरते हैं रातों को। तो फिर उसके बाद ये फिर ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो तकसीम किया जाता है लोगों में। ड्राई फ्रूट्स क्यों तकसीम किया जाता है? खुशी के मौके पर हम लोग मिठाई तकसीम करते हैं अमूमन करते हैं वही, तो जो इन्होंने जमा किया होता है ना, जो ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो इस टाइम पर निकालते हैं सर्दियाँ, इसलिए सब तकसीम करते हैं बांटते हैं जी। अच्छा, आज क्या हो रहा है, आज क्या यहाँ पे स्पेशलिटी है? आज जो बिरीर में जो है वो इनका लास्ट अस्पर, जिस गाँव वहाँ पे हम खड़े हैं इसको नाम अस्पर है, और यहाँ पर ये लास्ट डांस है। इसके बाद डांस वगैरह नहीं होता, ये आज आज डांसिंग प्रोग्राम। हाँ, डांसिंग प्रोग्राम में जिस तरह आपने सही हो गया। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताओ, आप सलाम किस तरह से लेते हो, आपकी जुबान में सलाम किस तरह से लिया जाता है, मतलब क्या कहते हो आप? हम अपनी जुबान में इशपाता कहते हैं। इशपाता? अच्छा, मतलब जुबान में भी इशपाता कहते हो जी। अच्छा मुझे बताओ कि ये फेस्टिवल जो है ये क्यों मनाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये क्यों मनाते हो? वैसे तो इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, ये मुझे नहीं पता। मजहबी कल्चर है, मजहबी कल्चर। यस। तो आपके ये सर पे जो कैप है ऊपर, इसके ऊपर ये जो मतलब बना हुआ है पत्ता से, कितना खूबसूरत है, ये क्या कल्चर है? कल्चर का हिस्सा है जी। अच्छा, आप लोग खुद तैयार करते हो? जी, हम इसे खुद। अच्छा, अभी मैं देख रही थी यहाँ पे आप लोग डांस कर रहे थे, तो ये कोई आपका मतलब कल्चरल डांस है? जी, हमारा कल्चर। गाना वाना भी होता है? गाना आता है। सुनो थोड़ा सा। ये ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छा गाता है मुझे। थोड़ा सा, जितना आपको आता है आप उतना सुनाओ। दोनों मिल के सुना दो, तुम्हारा मिलके सुनाना मुझे गाना। सुनाओ। ये कौन सा गाना सुनाएंगे? जो भी आपको आता है आपके कल्चर का जो गाना है यहाँ पे वो आप मुझे सुनाओ। जाने कोंडा मिशाला, ये गाना तो आप बता। क्या नाम है आपका? अख्तर। लीना। लीना कहते हैं आसान। लीना कहते हैं, मुझे फराह कहते हैं। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या नाम है? सुनेरा शाहरिमा। हमीद हुसैन। अच्छा मुझे बताइए कि आपकी सकाफत क्या है, कल्चर रिलीजियस यहाँ पे मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है? थोड़ा सुनाए ने। कल्चर रिलीजियस मतलब मजहबी त्यौहार है ना ये, तो ये आप लोग मनाते हैं यहाँ पे, तो क्यों मनाते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ पे जब ये हैप्पी न्यू ईयर आता है तो हम यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाते हैं, ये नया साल आने की खुशी में और सर्दियाँ आने की खुशी में ये साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल का नाम क्या है? चाउमोस। चाउमोस मतलब चाइना में भी न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है, लाना लास्ट दिसंबर में, और आप लोग भी वही चीज़ मनाते हैं? सेम सेम। वो अभी डांस हो रहा था यहाँ पे, तो ये क्या चीज़ थी? ये हम खुशियाँ मनाते हैं जब नया साल आता है, तो इसकी खुशी में हम लोग यहाँ पे डांस करते हैं। इसके अलावा क्या क्या करते हो आप? और भी बहुत कुछ होता है जो कि पुराने यादें ताज़ा करते हैं, यहाँ पे गाना गाते हैं, वो सब जो होते हैं पुराने चीज़ें या पुराने कुछ जो होते हैं वाकयात, उनको दोहराया जाता है नया साल आने की खुशी में। मतलब आप लोग की मतलब एक स्पेसिफिक यहाँ पे होती है ना चीज़ जो आप लोग करते हैं। मैंने यहाँ पे सुना था कि आप ड्राई फ्रूट्स भी बांटते हैं यहाँ पे आपस में, दूसरे के शेयरिंग्स भी करते हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल, वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा होता है। जब ये नया साल आता है तो हम ड्राई फ्रूट्स को शेयर करते हैं एक दूसरों के साथ बाजार तोहफे के तौर पर। अच्छा, पूरी दुनिया में आपका ये फेस्टिवल जो है ना अभी कैमरे के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू देखा जा रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे आप? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो लोग यहाँ पे आए, हमारे फेस्टिवल को देखें, हमारे कल्चर को जानें और यहाँ पे जो है विजिट करें। जी नाज़रीन, ये था, आपने इनको देखा, आप ये कहना चाहोगे? कुछ नहीं, आप उनको नहीं, आप मतलब बहुत सी लड़कियाँ हैं, आप पापा पापा बहुत खूबसूरत हो आप लोग यहाँ के लोग, ठीक है, लड़कियाँ बहुत सी देखने, अगर वो चित्राल आएंगे तो आप उनको चित्राल घुमाओगे यहाँ, मतलब सॉरी कैलाश घुमाओगे? हाँ घुमाओगे। जो लड़कियाँ देख रही हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे? हाँ, आपको जो लड़कियाँ देख रही हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे? इनको जी मैं यही कहना चाहूँगी कि वो देख के और इन्जॉय करें। स्वीट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? क्या अच्छा,
को मेरी लैंग्वेज नहीं आती है, मुझे इनकी लैंग्वेज नहीं आती, मतलब उनको उर्दू नहीं आती है, तो ये बच्ची जो है इनको उर्दू आती है, ट्रांसलेट करके इनके बताएगी। अच्छा क्या नाम है आपका? तैनुम की है वो। शारलिया बीबी। शारलिया बीबी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि वो कासा नमस मछलिया आ नमस मछलिया पावने जोन इसको पता नहीं इसका मतलब। अच्छा मुझे बताएं कि आप फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कल्चर होता है, तो ये आपने बोला ना कि हमारे भड़े मनाते हैं, तो भड़ों से पूछो क्यों मनाते हैं? हां कल्चर आपको मनाओ कर दे शेख चलो पूछो रे यो मा दस्तूर आ दादा वा वगरिया मा कायो नियम फातो मा मैं मनाओ करे जे हम बड़ों के साथ ये मनाते हैं इसलिए हम ये मनाते हैं। अच्छा मतलब आज आपने डांस किया, तो आज क्या डे है जो आपने डांस किया है? अभी डांस आज जो किया आदो शिव वो डांस कर दाया दुआ ने जो ने किया आदो शिव वो तालीम में सुनना मुझे पता नहीं ये क्या डे है। अच्छा इनको नहीं पता। अच्छा गाना आता है? गोई उदे दाजो आता है कोई गाना? हां गोजे पास गो है जो ना की गोजे क्या वो गो है आजो ना बाय कल्चर का गाना गाओ। हां हां आजो नवाया को माया जो नवाया को कैवे लांदाया ये बासुं दाउटी टायम। नाज़रीन मुझे समझ नहीं आई है लेकिन अच्छा गाया, अच्छा था, थैंक यू, शुक्रिया। मुझे कहा हाँ ये जो गाना गाया इसका मतलब क्या थी लिरिक्स? इसका मतलब मुझे भी नहीं पता। थैंक यू जी नाज़रीन। इस फेस्टिवल में हमें कुछ पंजाबी लड़कियाँ भी मिल गई हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पे मतलब कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से यहाँ पे इतनी दूर ये फेस्टिवल देखने के लिए आए? ऑफ कोर्स हम लोगों का ये फेस्ट, एक हमारे दोस्त हैं वो अच्छे, उन्होंने कहा कैलाश एक फेस्टिवल होता है और हमने उस पर चलना है, और हमने कहा चलो चलते हैं। हाँ ये वाला सीन है, इट इज़ वेरी गुड हेयर। हम लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब इट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग फॉर अस एक्चुअली ना, एक न्यू चीज लगती है ना, यूनिक सी चीज, यूनिक सी कि अभी भी ऐसा हो रहा है। मतलब हम इस्लामाबाद में रहते हैं, आप लाओ कितना डिफरेंट है ना वहाँ की लाइफ, इट्स सो पीसफुल हेयर ना, और ये कितने सिंपल लोग हैं और कितनी हॉस्पिटैलिटी है इनकी ना, कि इतने मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में ये हम लोग को कैसे एंटरटेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप भी कहना चाहो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? सॉरी थोड़ा लाउड बोला क्योंकि पीछे हमारे से ज़्यादा शोर है। यहाँ पर आकर मुझे काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है एंड अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ एंड आई एम सरप्राइज्ड देर आर सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स एंड गेटिंग टू लर्न इट। मतलब सबसे ज़्यादा मजे की चीज़ क्या लगी इनका डांस यूनिक? Their dances, their dresses, their behaviors, their culture. Especially their caps. Their caps, yes, all the way. Like, मतलब बाकी लोगों को क्या कहना चाहोगे इस फेस्टिवल से रिलेटेड? मतलब आप टूर के लिए आए हो, शहर के लिए आए? बिल्कुल आना चाहिए, ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और मेरे लिए मेरी तरफ से एक मैसेज है लोगों के लिए कि अगर यहाँ पर आएँ तो फुली प्रिपेयर्ड होकर आएँ। यू नो मैं सोच रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि हम फुली प्रिपेयर्ड नहीं आए, सो लाइक टॉकिंग अबाउट मी दैट आई एम नॉट एबल, एनीवेज इट्स गुड, थैंक यू। या जी नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, मैंने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, उम्मीद करती हूँ कि आपने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, इसी के साथ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।
सर खेले वो डांस करते हैं इधर डांस कर रहे हैं अभी आप भी पूरे जोश हो के बहुत ज्यादा डांस कर रहे थे। हाँ जश्न है डांस कर रहे कहा जश्न है किस चीज का जश्न मना रहे हैं? नहीं ये चित्र मास है दिसंबर के महीने में होता है ये होता है शराब औरतें नहीं।